those alarms. Got it! Now get in the center. सो फ्रेंड्स, यही आज की कहानी है जिसका नाम है डॉग डे आफ्टरनून। डॉग डे आफ्टरनून 1975 में रिलीज हुई थी जिसके मेन लीड में है अल पचिनो। इस मूवी को 1976 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर मिला है। ये मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है जो 22 अगस्त 1972 में ब्रुकलिन में घटी थी। सनी वॉटजिक अपने दोस्त सैल और स्टीव के साथ बैंक लूटने का प्लान करता है, लेकिन कुछ अजीब ट्विस्ट एंड टर्न्स के कारण 15 मिनट की चोरी 17 घंटों का हॉस्टेज ड्रामा बन जाती है। सनी इसमें कामयाब होता है कि नहीं, और ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से वो बैंक लूटने की कोशिश करता है, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। वेलकम टू टिकट टू हॉलीवुड, चलिए मूवी शुरू करते हैं। 22 अगस्त 1972 की दोपहर में ब्रुकली बैंक की छोटी सी ब्रांच के सामने सनी, सैल और स्टीव बैंक बंद होने का इंतजार कर रहे होते हैं। स्टीव कार से बाहर निकलता है और बैंक के दरवाजे से अंदर झांक कर देखता है कि अंदर कोई कस्टमर तो नहीं है। वह वापस कार के पास आता है और सनी के साथ कुछ बात करता है। अब सैल कार से उतरता है और बैंक में एंट्री करता है। उसके हाथ में एक सूटकेस होता है। थोड़ी देर के बाद सनी भी कार से उतरता है। अब स्टीव भी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि बैंक बंद करने का टाइम हो गया है। स्टीव सिक्योरिटी गार्ड को रिक्वेस्ट करता है और गार्ड उसे अंदर आने देता है और दरवाज़ा अंदर से लॉक करता है। अब तीनों बैंक के अंदर अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। मैनेजर फ़ोन पे किसी के साथ बात कर रहा होता है। सैल उसके पास जाता है और पूछता है, यहाँ पे मैनेजर तुम ही हो ना? जैसे ही मैनेजर हाँ कहता है, सैल अपनी बैग में छुपाई गन निकालकर मैनेजर की तरफ पॉइंट करता है। मैनेजर समझ जाता है आगे क्या होने वाला है और वह फोन काट देता है। सनी और स्टीव पास में ही खड़े होते हैं और यह सब देख रहे होते हैं। अभी भी एक लेडी कस्टमर अपने छोटे बच्चे के साथ बैंक में ही होती है। उस लेडी को और उसके बच्चे को देखकर स्टीव डर जाता है। वो सनी से कहता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, शायद हमें छोटी गन्स लेके आना चाहिए था। उस पर सनी कहता है, तुम पागल तो नहीं हो, सैल ने ऑलरेडी गन निकाल दी है। सनी स्टीव को समझाता है और उसे बैंक के दरवाजे पर जाकर रुकने के लिए बोलता है। जैसे ही वह लेडी कस्टमर बैंक से बाहर चली जाती है, सनी बॉक्स में से गन निकलता है और स्टाफ के ऊपर पॉइंट करता है जिसमें सभी लेडीज ही होती हैं। स्टीव जो दरवाजे के पास खड़ा है, वह अपनी रिवॉल्वर निकलता है और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ पॉइंट करता है। सनी स्टीव को कहता है, अगर गार्ड कुछ भी करने की कोशिश करे तो उसे गोली से उड़ा देना। स्टीव ऑलरेडी डरा हुआ होता है। वह सनी को कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। सनी सैल की तरफ देखता है और उसे कहता है, स्टीव यह सब करने के लिए तैयार नहीं है। सैल गुस्सा होता है और सनी को कहता है, तुम स्टीव को बाहर छोड़कर आओ और उसे घर जाने के लिए बोल दो। सनी सिक्योरिटी गार्ड को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है और स्टीव को बाहर छोड़ने के लिए आता है। स्टीव सनी को सॉरी बोलता है और अपने रिवॉल्वर उसे दे देता है। सनी उसे कहता है, तुम कार लेके मत जाओ, कार की उसे ज़रूरत पड़ेगी, तुम ट्रेन से चले जाना। स्टीव सनी को कार की चाबी देता है और वहाँ से भाग जाता है। सनी सिक्योरिटी गार्ड को दरवाज़ा अंदर से लॉक करने के लिए बोलता है। अब बैंक में सनी और सैल के साथ 8 लोग होते हैं। सनी अभी लोगों को वार्निंग देता है कि कोई भी अलार्म एक्टिवेट करने की कोशिश नहीं करेगा, वह आधे घंटे में अपना काम करके यहाँ से चले जाएंगे। वो सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करता है
और सैल को उन पर ध्यान रखने के लिए बोलता है। बैंक में लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरास पर वो स्प्रे बॉटल से कलर स्प्रे करता है। अब वो मैनेजर को बुलाता है और उसे वॉल्ट ओपन करने के लिए बोलता है। मैनेजर के पास एक स्पॉट की होती है जिससे वॉल्ट ओपन करने के बाद अलार्म एक्टिवेट होता है। मैनेजर उसी स्पॉट की से वॉल्ट ओपन करने के लिए जाता है, लेकिन सनी को यह समझ में आ जाता है। वह मैनेजर को गुस्से से बोलता है कि कोई भी होशियारी नहीं दिखाएगा और अलार्म एक्टिवेट नहीं करेगा। मैं एक कैथोलिक हूँ और किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। यह सुनकर मैनेजर एक लेडी को दूसरी चाबी से वॉल्ट ओपन करने के लिए कहता है। वॉल्ट ओपन करने के बाद सनी उस लेडी को एक पॉलीथीन बैग देता है और वॉल्ट में जितनी भी कैश है उसे बैग में भरने के लिए बोलता है। वो लेडी बैग में कुछ कैश डालती है और रुक जाती है। वो कहती है कि बैग में इतनी ही कैश है, वॉल्ट में जो कैश थी उसे कुछ देर पहले ही बैंक से ले जाया गया है। अब वॉल्ट में सिर्फ $1100 ही है। यह सुनकर सनी शॉक हो जाता है। वह देखता है कि कैश काउंटिंग मशीन और ड्रॉअर में कुछ कैश है। वो अकाउंटेंट लेडी को बुलाता है और कैश और ट्रेवलर चेक कलेक्ट करने के लिए बोलता है। वो रजिस्टर को आग लगाता है और डस्टबिन में फेंक देता है। बैंक में जितने भी कैश और चेक मिलते हैं वो सब लेने के बाद बाहर निकलने के लिए सनी सिक्योरिटी गार्ड से दरवाजे की चाबी मांगता है। एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड एक अस्थमा पेशेंट होता है और यह सब देखकर वो फ्रीज हो जाता है। सनी उसके पास से चाबी लेता है और दरवाजे की तरफ भागता है। तभी सेल देखता है कि एक आदमी दरवाजे के बाहर से बैंक के अंदर देख रहा है। वो एक इंश्योरेंस एजेंट होता है। जो रजिस्टर सनी ने जलाया था उसका धुआं खिड़की से बाहर आ रहा होता है और सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर नहीं होता। यह देखकर यह बात बताने के लिए वो एजेंट दरवाजे के पास आता है। सनी मैनेजर को कहता है कि तुम जाओ और उससे बात करो, लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है उसके बारे में कुछ मत बताना। मैनेजर उस एजेंट को कहता है कि सिगरेट की बट की वजह से यह आग लगी थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। यह कहकर वो दरवाज़ा बंद कर देता है। इधर सनी कैश उठाता है और वहाँ से भागने की तैयारी में होता है। वो सभी लेडीज़ को वॉल्ट में लॉक करता है। तभी अकाउंटेंट लेडी कहती है उसे बाथरूम जाना है। सनी कुछ देर सोचता है और बाथरूम चेक करने के लिए जाता है। वो देखता है कि बाथरूम में ऑलरेडी एक लेडी अंदर ही छुपी हुई होती है। अकाउंटेंट लेडी सनी को बताती है कि वो लड़की तुम्हारे आने से पहले ही बाथरूम गई थी और यह सब हंगामा देखकर वही छुप गई। सनी उस लड़की को वहां से निकालता है और बाकी लेडीज के साथ वॉल्ट में जाने के लिए कहता है। इतने में एक फ़ोन आता है। मैनेजर फ़ोन उठाता है और सनी से कहता है कि यह फ़ोन तुम्हारे लिए है। सनी को कुछ समझ नहीं आता, बैंक में उसे कौन फ़ोन कर सकता है। वो फ़ोन पुलिस ऑफिसर मोरेटी का होता है। वो सनी से कहता है कि मुझे पता है तुम अंदर क्या कर रहे हो। यह सुनकर सनी डर जाता है और फ़ोन काट देता है और सेल को भी यही बताता है। एक्चुअली वो इंश्योरेंस एजेंट जिसने बाहर धुआं देखा था शायद उसे शक होता है और वो पुलिस को इस बारे में बताता है। अब बैंक के बाहर पुलिस फोर्स आ जाती है और ये खबर शहर में फैल जाती है। लोग भी बैंक के बाहर जमा हो जाते हैं। सनी और सैल को समझ आता है कि अब वह पूरी तरह से फंस गए हैं। अब तक मैनेजर और बाकी लोगों को पता चलता है कि सनी और सैल प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं है। शायद किसी मजबूरी की वजह से वो ये काम कर रहे हैं और वह किसी को हर्ट नहीं करेंगे। बाहर पुलिस को देखकर सनी मैनेजर को कहता है, यह कैसे हो गया, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया था, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। मैनेजर कहता है, यह किसने किया मुझे पता नहीं। वो आगे कहता है, कैश लेने के बाद तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन तुम चेक्स और रजिस्टर और बाकी सब चीज़ें करने में उलझ गए। मैनेजर की बात सुनकर अकाउंट्स लेडी भी सनी से कहती है कि तुम्हारे पास यह सब करने के लिए कुछ प्लान था भी या नहीं। सनी गुस्सा होता है और कहता है, मेरे पास प्लान था, लेकिन मुझे जिस आदमी ने बैंक की कैश के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी वह गलत थी। बाहर पुलिस अपनी पोजीशन लेके खड़ी होती है। सनी मैनेजर को साथ लेके जाता है और बैंक के सभी दरवाजे अंदर से लॉक करता है। कुछ देर बाद वहाँ पे FBI पहुँच जाती है और उनके साथ मीडिया भी आ जाती है। बैंक के सामने एक सलून होता है, उसे FBI अपना कंट्रोल रूम बनाती है और वहाँ से बैंक पर नज़र रखती है।
ऑफिसर मोरेटी फिर से सनी को फोन करता है। वो उसे पूछता है कि तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ कोई और भी लोग हैं। सनी उसे बताता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सैल है। हम दोनों वियतनाम वेटरन्स हैं, हम आर्मी में थे और लोगों को मारना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। यह सब सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को अस्थमा अटैक आता है और वह वहीं पर गिर जाता है। लेडीज सनी को इसके बारे में बताती है। आगे ऑफिसर मोरेटी सनी से कहता है, मैं बिना गन के अंदर आना चाहता हूँ, मुझे देखना है अंदर वो लोग ठीक है या नहीं, लेकिन मेरे अंदर आने के बाद तुम्हें सभी लेडीज़ को छोड़ना पड़ेगा। सनी कहता है, इन लेडीज़ की वजह से ही मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। ऑफिसर मोरेटी उसे दूसरा ऑप्शन देता है और कहता है कि ठीक है, एटलीस्ट किसी एक को तो छोड़ दो। इस पर सनी एग्री हो जाता है और सिक्योरिटी गार्ड जिसे अस्थमा अटैक आया है उसे बाहर छोड़ने के लिए डिसाइड करता है। अकाउंटेंट लेडी सिक्योरिटी गार्ड को दरवाजे तक लेके जाती है। सनी हाथ में सफ़ेद रुमाल लेकर पीछे खड़ा होता है। सिक्योरिटी गार्ड बैंक के बाहर चला जाता है। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स भागकर सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उन ऑफिसर्स को लगता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड ही चोर है। वो ऑफिसर्स सिक्योरिटी गार्ड को अरेस्ट करते हैं। यह देखकर अकाउंटेंट लेडी गुस्सा होती है और उन ऑफिसर्स को गाली देती है। ऑफिसर्स मोरेटी वहाँ पर आता है और सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ने के लिए बोलता है। वो सनी से कहता है, तुम उन लेडीज में से किसी एक को छोड़ने वाले थे, इसलिए मेरे ऑफिसर सिक्योरिटी गार्ड को देखकर कंफ्यूज हो गए। मोरेटी आगे कहता है, तुम बाहर आ जाओ, हम बात करेंगे, मेरे ऑफिसर्स तुम्हें नहीं पकड़ेंगे और कोई गोली नहीं चलाएगा। सनी थोड़ी देर सोचकर मोरेटी को बताता है कि ठीक है, मैं बाहर आता हूँ, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो अंदर हॉस्टेजेस के साथ सेल है और उसे क्या करना है पता है। ऑफिसर मोरेटी उसके ये कंडीशन मान लेता है। सनी अपनी गन सेल को देता है और बाहर आ जाता है। ऑफिसर मोरेटी सनी को दिखाता है कि पुलिस ने बैंक को घेर रखा है और वो वहाँ से बच के नहीं जा सकता। वह आगे कहता है, अगर तुमने अभी सरेंडर किया तो तुम्हें कम से कम सज़ा होगी, क्योंकि तुमने किसी को हर्ट नहीं किया है। सनी ऑफिसर मोरेटी से कहता है, मुझे पता है मैंने क्या किया है और इसकी सज़ा क्या है, तुम मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। तभी कुछ ऑफिसर्स सनी के पास आते हैं। सनी उनको पीछे हटने के लिए बोलता है और उन्हें वार्निंग देता है। वो पुलिस को उनकी गन्स नीचे करने के लिए बोलता है। अब पुलिस के पास सनी की बात मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। यह सब ड्रामा बैंक के बाहर जमी हुई भीड़ देख रही होती है। उनको सनी का एटीट्यूड पसंद आता है और यह सब देखकर लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। इस सारे ड्रामे की लाइव कवरेज रेडियो और टीवी पे दिखाई जाती है। मोरेटी सनी के पास जाकर उसे कुछ बताता है। थोड़ी देर बाद सनी वहाँ से अंदर जा रहा होता है और अकाउंटेंट लेडी भी सनी के साथ अंदर जा रही होती है। तभी ऑफिसर मोरेटी अकाउंटेंट लेडी का हाथ पकड़ता है और सनी से कहता है, यह बाहर आ गई है तो इसे बाहर ही रहने दो, इसे हमारे हवाले कर दो। उस पर अकाउंटेंट लेडी कहती है कि अंदर मेरा पूरा स्टाफ है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती, और वो अंदर चली जाती है। यह सुनकर मोरेटी शॉक हो जाता है। सनी सेल को बताता है कि पुलिस शायद हमारे साथ डील करना चाहती है, लेकिन पुलिस के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। अगर हम FBI को इसमें इन्वॉल्व करें तो उनके साथ डील करके हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन सेल को यह आइडिया पसंद नहीं आता। वो सनी से कहता है, या तो हम यहाँ से किसी तरह से निकल जाएंगे या फिर यहीं पर मर जाएंगे, लेकिन वो जेल नहीं जाना चाहता। सनी उसे बताता है, हम उनके साथ डील करेंगे, उन्हें यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर लाने के लिए कहेंगे, सभी हॉस्टेजेस को यहाँ से एयरपोर्ट तक ले जाएंगे और फिर वहाँ से किसी दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। सनी सेल को समझाता है कि वो ये कर सकते हैं क्योंकि उनके पास हॉस्टेजेस है। सनी लेडी अकाउंटेंट से पूछता है कि तुम अल्जीरिया जाना चाहती हो, और वो खुश होकर कहती है कि हाँ, कौन नहीं जाना चाहेगा। यह सुनकर सैल सनी से कहता है, मुझे फ्लाइट से डर लगता है। सनी किसी तरह उसे कन्विंस कर लेता है। वो सभी लेडीज़ को कहता है कि वो अपने घर या जिसको चाहे उसे कॉल करके बताए कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं। सनी मोरेटी को फ़ोन करता है और उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। सो फ्रेंड्स, आगे की कहानी देखने के लिए एंड स्क्रीन में जो वीडियो है उस पर क्लिक करें।
या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का लिंक शेयर किया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हो। थैंक यू।